गाइस टॉपिक नंबर वन का लास्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है अ मैन वेगिंग 50 किलोग्राम एफ सपोर्ट्स अ बॉडी ऑफ 20 किलोग्राम एफ ऑन इज हेड। आदमी का वजन दे दिया, उसके सर पर रखी हुए मास का वजन दे दिया, तो दोनों वजन दे दिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे क्या कह रहा, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन ही मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर अप जा रहा है, तो ये आपके सामने डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, तो सॉल्यूशन लिखो और गिवन दैट में जो आपको समझ में आ रहा है वो पहले लिख दो। तो डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 20 मीटर का, ठीक है। अब एन इंक्लाइन ऑफ 1:10, अब यहाँ पर इंक्लाइन दे रखा, तो इंक्लाइन का मतलब ये साइन थीटा की वैल्यू है, 1:10 का मतलब 1/10, ठीक है भाई। हाफ से कह रहा है अ मैन वेकिंग 50 किलोग्राम सपोर्ट्स अ बॉडी ऑफ, तो आदमी है उसके ऊपर सामान रखा हुआ है और ये इंक्लाइन होते हुआ चल रहा है, तो भाई इधर अब आपको समझना है जब इंक्लाइन हो तो वो चल रहा है जिस तरह सीढ़ी पर चलते हैं, तो अब आप ध्यान दें कि टोटल मास कितना हुआ, ये फिर आप देखें टोटल वेगिंग कितनी हो चुकी है, 50 प्लस 25 तो ये हो जाएगा 75 किलोग्राम एफ। जब आपको वेट में कन्वर्ट करना होगा, इसको वेट में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको इसके साथ 9.8 से मल्टीप्लाई कर देनी, तो अब ये न्यूटन में हो जाएगा। अब जितना वेट है इतना ही उस बंदे को फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ को, तो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ को है, तो आपको मिल जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरफ को हैं, तो थीटा 0 डिग्री होने की वजह से जो वक्रन हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ एफ एस। एफ कितना है आपको पता है, 75 × 9.8। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है उसको, 20 का, ठीक है भाई, ये निकल कर आ चुका है। और यहाँ एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर जो फोर्स है ये तो वेगिंग निकल कर आ चुका, अब फोर्स जो होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ को, तो जो फोर्स जो होगा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जो फोर्स होगा यहाँ पर लिखने से जो रह गया है, जो फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, तो भाई वो जो होगा वो ये होता है mg साइन थीटा, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये फोर्स है mg, मास कितना आ चुका, आप ये देखो 75 × 9.8, ये mg की वैल्यू है 75 × 9.8 न्यूटन में, और साइन थीटा मतलब 1/10, ये आ चुका। तो फोर्स आपके पास है, आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, सीधा सिंपल सा था, एफ इंटू एस कोस 0। फोर्स कितना है 75 × 9.8 × 1/10। डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू कितनी है, 20, कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, 0 से 0 ख़त्म, ये 2 है, 75 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 150 और 9.8 ऐसे रहेगा, तो 9.8 का पॉइंट हट जाएगा, ये 15 रह जाएगा, 15 × 98, तो 15 के 98 से मल्टीप्लाई करके देख लो, करो मल्टीप्लाई, इसको मान लेते हैं 100 है तो ये 1500 हो जाता, लेकिन ये तो है 98, हमने 100 लेकर सॉल्व कर लिया, हमने ऐसा मान लिया 15 जो है 100 बार है तो ये 1500 होता, लेकिन 15 जो है वो 98 बार है, तो 2 बार कम कर दो मतलब 30 कम कर दो इसमें से, जब 30 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1470, तो ये आपके साथ में आ जाएगा 1470 जूल। तो क्या यही आंसर है, हाँ यही आंसर दे रखा भाई। तो ये सीधा और सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने समझ लिया होगा, किसी को डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन दे रखा भाई, टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा सबका लिंक है, जा करके कमेंट करें, फॉलो भी कर लें और अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। अब हम देखेंगे आगे फोर्स और वर्क देखेंगे वेरिएबल फोर्स की वजह से। थैंक यू सो मच।